ये आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2 अल्फाबेटिक ऑर्डर्स है। इसमें मैंने बोर्ड पे पिक्चर्स भी ड्रॉ किया है और उसके वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। आपको एक बार बुक पे दिखा दे रही हूँ, फिर आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं, ये सारे पिक्चर्स हमें इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसे रीअरेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगी आपको वैसे ही टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है, और इसे नीचे भी वैसे ही करना है। जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगी वैसे ही आपको नीचे टेक्स्ट बुक पे लिखना है। ओके, लेट्स सी। इन अल्फाबेटिक ऑर्डर्स देयर आर 26 लेटर्स। अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और वो किस वे में होता है? ए बी सी डी एंड सो ऑन। जैसे वैसे ए बी सी डी ऐसे करके ऐसे ही होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर्स। हम ए से जेड तक ऐसे अल्फाबेटिक ए लिखते हैं, वैसे ही हमें ये भी अरेंज करना है। अब देखो यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी दिया है यहाँ पे पूरा, और उसे हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट हमारा आता है ए। फर्स्ट हमारा क्या आता है? ए। ए से रिलेटेड देखो यहाँ पे कुछ है, ये टू रोज में यहाँ पे है आम। यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हम आम। ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? बी। बी पे अब देखो यहाँ पे बी पे कुछ बना है? बी वर्ड से रिलेटेड कुछ है? नहीं है। देन आता है सी। सी से कुछ बना है यहाँ पे? हाँ, सी से चीक। थर्ड में आपका देखो सी हो गया। अब डी, डी से कुछ है यहाँ पे? डी से कोई भी वर्ड दिए है? स्टमक नहीं दिया है। अब देखेंगे हम ई। ई से कुछ दिया हुआ है? हाँ, ई से आई। देन एफ। एफ से कुछ बना हुआ है यहाँ पे? लिखा है कुछ यहाँ पे? लिखा है फुट। ये हो गया। अब फिफ्थ देखो, एफ के बाद क्या आएगा? जी। जी से कुछ बना है यहाँ पे? जी से रिलेटेड कोई वर्ड दिया है? नहीं है। देन एच। एच से रिलेटेड कुछ भी दिया है यहाँ पे? एच से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया है। आई से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया है। जे, जे से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया है। के, एल, ऐसे एल, एल से रिलेटेड दिया है? ले, एल ई जी, ले। फिर एम, एम से कुछ है? नहीं है, है माउथ, एम ओ यू टी एच माउथ। एम के बाद एन, एन से भी दिया है? नेक। ओ, ओ से रिलेटेड कुछ दिया है? नहीं दिया है। पी से? नहीं। क्यू, आर, एस। अब देखो एस से रिलेटेड हमें एक लास्ट बचा हुआ है, वह स्टमक। देखो ये हमारा ए एक्सरसाइज ए कंप्लीट हुआ है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में ये बोला है, रामू द फ्रूट सेलर वांट टू अरेंज हिज बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हेल्प हिम। रामू एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला, और उसके बास्केट्स में बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट्स हैं, और उसे हमें कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है देखो एप्पल्स, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे ग्रेप्स, पियर्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, मैंगोस, चीकूस, फिक्स, ये दिया है, ये सारे फ्रूट्स दिए हैं, और हमें इसे कैसे अरेंज करना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे पहला क्या दिया हमें? एप्पल्स दिया, और यहाँ पे सेकेंड बी फॉर बनानास, यहाँ पे चीकूस, देन फिक्स, देन ग्रेप्स, मैंगोस, ऑरेंजेस, देन पियर्स। ये आपको होमवर्क में इसे खुद सॉल्व लिखना है। ओके, थैंक यू।